प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के सागर जिले के दौरे पर हैं। उनके इस दौरे को आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के नजरिए से अहम माना जा रहा है। वहीं हम आपको बता दें, पीएम मोदी ने सागर में 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संत रविदास मंदिर का शिलान्यास किया। भारत माता की कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी श्री वीरेंद्र खटीक जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रहलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सभी सांसद, अलग अलग स्थानों से पधारे सभी पूज्य संतगण और विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सागर की धरती संतों का सानिध्य, संत रविदास जी का आशीर्वाद और समाज के हर वर्ग से, हर कोने से इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए हुए आप सब महानुभाव, आज सागर में समरसता का महासागर उमड़ा हुआ है। देश की इसी साझी संस्कृति को और समृद्ध करने के लिए आज यहां संत रविदास स्मारक एवं कला संग्रहालय की नींव पड़ी है। संतों की कृपा से कुछ देर पहले मुझे इस पवित्र स्मारक के भूमि पूजन का पुण्य अवसर मिला है और मैं काशी का सांसद हूं और इसलिए ये मेरे लिए दोहरी खुशी का अवसर है। और पूज्य संत रविदास जी के आशीर्वाद से मैं विश्वास से कहता हूं कि आज मैंने शिलान्यास किया है, 1-1.5 साल के बाद मंदिर बन जाएगा तो लोकार्पण के लिए भी मैं जरूर आऊंगा। और संत रविदास जी मुझे यहां अगली बार आने का मौका देने ही वाले हैं। मुझे बनारस में संत रविदास जी की जन्मस्थली पर जाने का कई बार सौभाग्य मिला है और अब आज मैं यहां आप सबके सानिध्य में हूं। मैं आज सागर की इस धरती से संत शिरोमणि पूज्य रविदास जी के चरणों में नमन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। भाइयों और बहनों, संत रविदास स्मारक एवं संग्रहालय में भव्यता भी होगी और दिव्यता भी होगी। ये दिव्यता रविदास जी की उन शिक्षाओं से आएगी जिन्हें आज इस स्मारक की नींव में
जोड़ा गया है, गढ़ा गया है। समरसता की भावना से ओतप्रोत 20,000 से ज्यादा गांवों की, 300 से ज्यादा नदियों की मिट्टी आज इस स्मारक का हिस्सा बनी है। एक मुट्ठी मिट्टी के साथ साथ एमपी के लाखों परिवारों ने समरसता भोज के लिए एक एक मुट्ठी अनाज भी भेजा है। इसके लिए जो 5 समरसता यात्राएं चल रही थी, आज उनका भी सागर की धरती पर समागम हुआ है। और मैं मानता हूं कि ये समरसता यात्राएं यहां खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि यहां से सामाजिक समरसता के एक नए युग की शुरुआत हुई है। मैं इस कार्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार का अभिनंदन करता हूं, मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी का अभिनंदन करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं। साथियों, प्रेरणा और प्रगति जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक नए युग की नींव पड़ती है। आज हमारा देश, हमारा एमपी इसी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में आज यहां कोटा बीना सेक्शन पर रेल मार्ग के दोहरीकरण का भी लोकार्पण हुआ है। नेशनल हाईवे पर 2 महत्वपूर्ण मार्गों का शिलान्यास भी किया गया है। विकास के ये काम सागर और आसपास के लोगों को बेहतर सुविधा देंगे। इसके लिए मैं यहां के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, संत रविदास स्मारक और संग्रहालय की नींव एक ऐसे समय में पड़ी है जब देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। अब अगले 25 वर्षों का अमृतकाल हमारे सामने है। अमृतकाल में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी विरासत को भी आगे बढ़ाएं और अतीत से सबक भी लें। एक राष्ट्र के रूप में हमने हजारों वर्षों की यात्रा की है। इतने लंबे कालखंड में समाज में कुछ बुराइयां आना भी स्वाभाविक है। ये भारतीय समाज की ही शक्ति है कि इन बुराइयों को दूर करने वाला समय समय पर कोई महापुरुष, कोई संत, कोई औलिया इसी समाज से निकलता रहा है। रविदास जी ऐसे ही महान संत थे। उन्होंने उस कालखंड में जन्म लिया था जब देश पर मुगलों का शासन था, समाज अस्थिरता, उत्पीड़न और अत्याचार से जूझ रहा था। उस समय भी रविदास जी
समाज को जागृत कर रहे थे, समाज को जगा रहे थे, वो उसे उसकी बुराइयों से लड़ना सिखा रहे थे। संत रविदास जी ने कहा था, जात पात के फेर मही, जात पात के फेर मही उर्जी रही सब लोग, मनुष्यता को खात हुई रैदास जात कर रोग। अर्थात सब लोग जात पात के फेर में उलझे हैं और ये बीमारी मानवता को खा रही है। वो एक तरफ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बोल रहे थे तो दूसरी तरफ देश की आत्मा को झकझोर रहे थे। जब हमारी आस्थाओं पर हमले हो रहे थे, हमारी पहचान मिटाने के लिए हम पर पाबंदियां लगाई जा रही थी, तब रैदास जी ने कहा था, उस समय मुगलों के कालखंड में ये हिम्मत देखिए, ये राष्ट्रभक्ति देखिए। रैदास जी ने कहा था, पराधीनता पाप है, जान ले हुरे मीत, रैदास पराधीन सौ कौन करे है प्रीत। यानी पराधीनता सबसे बड़ा पाप है, जो पराधीनता को स्वीकार कर लेता है उसके खिलाफ जो लड़ता नहीं है उससे कोई प्रेम नहीं करता। एक तरह से उन्होंने समाज को अत्याचार के खिलाफ लड़ने का हौसला दिया था। इसी भावना को लेकर छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की नींव रखी थी। यही भावना आजादी की लड़ाई में लाखों लाख स्वाधीनता सेनानियों के दिलों में थी और इसी भावना को लेकर आज देश गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के संकल्प पर आगे बढ़ रहा है। साथियों, रैदास जी ने अपने एक दोहे में कहा है और अभी शिवराज जी ने उसका उल्लेख भी किया, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों सब संबसे, रैदास रहे प्रसन्न। यानी समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी भूखा न रहे, छोटा बड़ा इससे ऊपर उठकर सब लोग मिलकर साथ रहे। आज आजादी के अमृत काल में हम देश को गरीबी और भूख से मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा है, कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई, पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं चरमरा गई, ठप पड़ गई। भारत के गरीब तबके के लिए, दलित आदिवासी के लिए हर कोई आशंका जता रहा था। कहा जा रहा था कि 100 साल बाद इतनी बड़ी आपदा आई है, समाज का ये तबका कैसे रह पाएगा। लेकिन तब मैंने ये तय किया कि चाहे जो हो जाए, मैं मेरे गरीब भाई बहन को खाली पेट सोने नहीं दूंगा।
दोस्तों, मैं भली भांति जानता हूं कि भूखे रहने की तकलीफ क्या होती है। मैं जानता हूं कि गरीब का स्वाभिमान क्या होता है। मैं तो आपके ही परिवार का सदस्य हूं। आपका सुख दुख समझना मुझे किताबें नहीं ढूंढनी पड़ती। इसलिए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया। और आज देखिए, हमारे इन प्रयासों की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। साथियों, आज देश गरीब कल्याण की जितनी भी बड़ी योजनाएं चला रहा है, उसका सबसे बड़ा लाभ दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज को ही हो रहा है। आप सब अच्छे से जानते हैं, पहले की सरकारों के समय जो योजनाएं आती थी वो चुनावी मौसम के हिसाब से आती थी। लेकिन हमारी सोच है कि जीवन के हर पड़ाव पर देश दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, इन सब के साथ खड़ा हो। हम उनकी आशाओं आकांक्षाओं को सहारा दें। आप देखिए, जरा योजनाओं पर नजर करेंगे तो पता चलेगा, बच्चे के जन्म का समय होता है तो मातृ वंदना योजना के जरिए गर्भवती माता को 6000 रुपये दिए जाते हैं ताकि मां बच्चा स्वस्थ रहे। आप भी जानते हैं कि जन्म के बाद बच्चों को बीमारियों का, संक्रामक रोगों का खतरा होता है। गरीबी के कारण दलित आदिवासी बस्तियों में इनकी सबसे ज्यादा मार होती है। आज नवजात बच्चों की पूरी सुरक्षा के लिए मिशन इंद्रधनुष चलाया जा रहा है। बच्चों को सभी बीमारियों से बचने के लिए टीका लगे, ये चिंता सरकार करती है। मुझे संतोष है कि बीते वर्षों में 5.5 करोड़ से अधिक माताओं और बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। साथियों, आज हम देश के 7 करोड़ भाई बहनों को सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति के लिए अभियान चला रहे हैं। देश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए काम हो रहा है। कालाजार और दिमागी बुखार का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। इन बीमारियों से सबसे ज्यादा दलित, वंचित, गरीब परिवार वही इसके शिकार होते थे। इसी तरह अगर इलाज की जरूरत होती है तो आयुष्मान योजना के जरिए अस्पतालों में मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। लोग कहते हैं मोदी कार्ड मिल गया है, 5 लाख रुपए तक अगर कोई बीमारी को लेकर के बिल चुकाना है तो ये आपका बेटा कर देता है। साथियों, जीवन चक्र में पढ़ाई का बहुत महत्व है। आज देश में आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था हो रही है।
आदिवासी क्षेत्रों में 700 एकलव्य आवासीय स्कूल खोले जा रहे हैं। उन्हें सरकार पढ़ाई के लिए किताबें देती है, स्कॉलरशिप देती है, मिड डे मील की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि बच्चों का अच्छा पोषण वाला खाना मिले। बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई है ताकि बेटियां भी बराबर से और बराबरी से आगे बढ़े। स्कूल के बाद हायर एजुकेशन में जाने के लिए एससी एसटी ओबीसी युवा युवतियों के लिए अलग से स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। हमारे युवा आत्मनिर्भर बने, अपने सपनों को पूरा कर सके, इसके लिए मुद्रा लोन जैसी योजनाएं भी शुरू की गई हैं। मुद्रा योजना के अब तक जितने लाभार्थी हैं उनमें बड़ी संख्या में एससी एसटी समाज के ही मेरे भाई बहन हैं और सारा पैसा बिना गारंटी दिया जाता है। साथियों, एससी एसटी समाज को ध्यान में रखकर हमने स्टैंड अप इंडिया योजना भी शुरू की थी। स्टैंड अप इंडिया के तहत एससी एसटी समाज के युवाओं को 8,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिली है। 8,000 करोड़ रुपए ये हमारे एससी एसटी समाज के नौजवानों के पास गए हैं। हमारे बहुत से आदिवासी भाई बहन वन संपदा के जरिए अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए देश वन धन योजना चला रहा है। आज करीब 90 वन उत्पाद को एमएसपी का लाभ भी मिल रहा है। इतना ही नहीं, कोई भी दलित, वंचित, पिछड़ा बिना घर के न रहे, हर गरीब के सर पे छत हो, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास भी दिए जा रहे हैं। घर में सभी जरूरी सुविधाएं हो, इसके लिए बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन भी मुफ्त दिया गया है। इसका परिणाम है कि एसटी एसटी समाज के लोग आज अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। उन्हें बराबरी के साथ समाज में सही स्थान मिल रहा है। साथियों, सागर एक ऐसा जिला है जिसके नाम में तो सागर है ही, इसकी एक पहचान 400 एकड़ की लाखा बंजारा झील से भी होती है। इस धरती से लाखा बंजारा जैसे वीर का नाम जुड़ा है। लाखा बंजारा ने इतने वर्ष पहले पानी की अहमियत को समझा था, लेकिन जिन लोगों ने दशकों तक देश में सरकारें चलाई, उन्होंने गरीबों को पीने का पानी पहुंचाने की जरूरत भी नहीं समझी। ये काम भी जल जीवन मिशन के जरिए हमारी सरकार जोरों पर कर रही है। आज दलित बस्तियों में, पिछड़े इलाकों में, आदिवासी क्षेत्रों में पाइप से पानी पहुंच रहा है। ऐसे ही लाखा बंजारा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हर जिले में 75 अमृत सरोवर भी बनाए जा रहे हैं। ये सरोवर आजादी की भावना का प्रतीक बनेंगे, सामाजिक समरसता का केंद्र बनेंगे। साथियों, आज देश का दलित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, हमारी सरकार उन्हें उचित सम्मान दे रही है, नए अवसर दे रही है। नई समाज के लोग कमजोर है, न इनका इतिहास कमजोर है। एक से एक महान विभूतियां समाज के इन वर्गों से निकल कर आई है। उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में असाधारण भूमिका निभाई है, इसलिए आज देश इनकी विरासत को भी गर्व के साथ सहेज रहा है।
बनारस में संत रविदास जी की जन्मस्थली पर मंदिर का सौंदर्यीकरण किया गया। मुझे खुद उस कार्यक्रम में जाने का सौभाग्य मिला। यहां भोपाल के गोविंदपुरा में जो ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है उसका नाम भी संत रविदास के नाम पर रखा गया है। बाबा साहब के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों को भी पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का जिम्मा हमने उठाया है। इसी तरह आज देश के कई राज्यों में जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास को अमर करने के लिए म्यूजियम बन रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को देश ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की है। मध्य प्रदेश में भी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम गौंड समाज की रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। पाताल पानी स्टेशन का नाम टंटिया मामा के नाम पर किया है। आज पहली बार देश में दलित पिछड़ा और आदिवासी परंपरा को वो सम्मान मिल रहा है जिसके ये समाज के लोग हकदार थे। हमें सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के इसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ना है। मुझे भरोसा है देश की इस यात्रा में संत रविदास की शिक्षाएं हम सब देशवासियों को एकजुट करती रहेगी। हम साथ मिलकर बिना रुके भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इसी भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।